नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी दोस्तों CRPF में ट्रेड्समैन के पदों पर बम्पर भर्ती निकली हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती जो है वो 2020 की भर्ती है, ये लेटेस्ट अपडेट है। तो इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहे महिला या पुरुष हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट होगी दोस्तों इस भर्ती में, जो ट्रेड्समैन के पदों के लिए रिक्वायरमेंट होगी हाइट की, वो होगी 165 सेंटीमीटर। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, योग्यता होगी आपकी 10th पास। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आगे इसी भर्ती के बारे में कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं इस समय CRPF ट्रेड्समैन वैकेंसी 2020। तो जो CRPF में भर्ती निकली हुई है, इसका जो आर्टिकल छपा हुआ है उस पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पोस्ट नेम होगी यहाँ पे आपकी CRPF ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट नेम है आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर मेल, कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर फीमेल। तो यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती होगी फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो दोस्तों, हु कैन अप्लाई में अगर आप देख सकते हैं तो हु कैन अप्लाई में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल। तो आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप मेल या फीमेल जो भी हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, आपके यहाँ पर जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। तो आपकी जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर होगा ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि CRPF एक अर्धसैनिक बल है और CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इसकी जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो ऑल इंडिया होगी। मतलब आपका जो पोस्टिंग होगी वो इंडिया में किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम पे स्केल की बात करें तो इस भर्ती में जो पे स्केल दिया गया है वो 5,200 से 69,100 रुपये पर मंथ दिया हुआ है। तो इसके बीच में आपकी जो है वो सैलरी होगी। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट होगी आपकी 18 से 28 साल। तो यहाँ पर एज लिमिट में भी काफ़ी छूट दी जा रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि 18 से 25 साल होना चाहिए यहाँ पे 18 से 28 क्यों है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रेड्समैन की भर्ती है दोस्तों, ट्रेड्समैन की भर्ती में कुछ एक्स्ट्रा एज दी जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर 18 से 25 नहीं, 18 से 28 साल का जो है वो एज लिमिट दी गई है। तो अगर आप 18 से 28 साल के बीच में हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो भी आपको एज रिलैक्सेशन होगा SC ST OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। तो यहाँ पर SC ST के लिए दोस्तों 5 साल का एज रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट अगर देखा जाए दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी और फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए 155 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट होगा दोस्तों ओनली फॉर मेल के लिए 80+5, तो 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होगा। उसके बाद में आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि सीने में हवा भर के आपको 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट में और मेडिकल टेस्ट, उसके बाद में आएगा आपका रिटन टेस्ट। तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो जो इसमें क्वालिफाई होंगे वो इस भर्ती के लिए सिलेक्टेड माने जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी इस भर्ती की, आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए किसी भी स्कूल से। तो अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों, CRPF ट्रेड्समैन भर्ती 2020 इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे कुछ आपकी। स्टार्टिंग डेट है दोस्तों आपकी 1 मार्च 2020,
तो इस भर्ती के जो फॉर्म हैं वो ऑलरेडी ही अप्लाई किए जाने शुरू हो गए हैं, तो 1 मार्च 2020 से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 21 मार्च 2020। उसके बाद में दोस्तों जो लास्ट डेट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन कैंडिडेट्स, तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं उनकी जो इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट होगी वो होगी 31 मार्च 2020। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस भर्ती का जो अप्लाई मोड होगा वो होगा ऑफलाइन, और यहाँ पर दोस्तों कुछ इसी वीडियो इसी भर्ती के बारे में यहाँ पर कुछ लिंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये लिंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वेबसाइट पर आकर इन लिंक्स पर क्लिक करें और इनको ध्यान से पढ़ें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो CRPF में बम्पर भर्ती निकली है उसकी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों मैं अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।